पिछले कई वर्षों से न्यू स्वदेशी शुगर मिल द्वारा होल्डिंग टैक्स में लाखों के गड़बड़ जाला को लेकर मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर नगर परिषद ने अब 1 दिसंबर से पैमाइश चीनी मिल का शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक मापी में करीब 6 लाख स्क्वायर फीट का गड़बड़ जाला सामने आ चुका है। बता दें कि शहर के पुरानी बाजार निवासी अशोक कुमार पिछले कई सालों से मिल प्रबंधन द्वारा होल्डिंग टैक्स में लाखों के घाल मिल को लेकर शिकायत करते आ रहे थे, जिसको गंभीरता से लेते हुए नगर प्रशासन के नवागत कार्यपालक पदाधिकारी आमिर सोहेल तथा नगर प्रबंधक रितेश कुमार की तत्परता और सजगता की वजह से चीनी मिल के पैमाइश की दिशा में कार्रवाई शुरू की गई। तो पहले मिल प्रबंधन टाल मोल टोल करता रहा, फिर न प्रशासन की सख्ती के बाद मिल प्रबंधन द्वारा नए सिरे से स्क्वायर निर्धारण के लिए मापी सूचना सौंपी गई, जिसके सत्यापन के दौरान लाखों स्क्वायर फीट गड़बड़ झाला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी 8 गोदामों, डिस्टिलरी एरिया, ओपन डस्ट स्टोरेज एरिया, पावर हाउस, ऑफिस पोखरा, किसान भवन के मापी में ही 9 लाख से ऊपर स्क्वायर फीट टैक्सेबल एरिया की गड़बड़ी पकड़ी गई है, जबकि पंप हाउस, यार्ड, स्टैंड, कैंटीन एरिया, स्टाफ रेसिडेंशियल एरिया, गेस्ट हाउस, ऑफिसर क्वार्टर, ओपन स्टोर एरिया आदि जगहों का पैमाइश होना बाकी है, जिसकी वजह से मिल प्रबंधन की बेचैनी बढ़ गई है और मामले की लिपापोती करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। न प्रशासन और मिल के प्रबंधन के बीच सेटिंग गेटिंग कराने के लिए खेल में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेता भी बैठकों का दौर करने लगे हैं।